फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये खूबसूरत सी एक कलर की डिज़ाइन, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में भी आप इसे डाल सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर है और बनाने में बहुत आसान है। सिर्फ एक ही पैटर्न है जिसे हमें बार बार रिपीट करना है, और ये जो प्लेन और ये डिज़ाइनदार फंदे दिख रहे हैं इन्हें हमें एक दूसरे पर शिफ्ट करना है। देखिए यहाँ प्लेन है, इसके ऊपर फिर डिज़ाइन है, फिर प्लेन है, और यहाँ नीचे डिज़ाइन है, फिर प्लेन है, और फिर डिज़ाइन है। तो इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। चलिए इस डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। के लिए हमें 5 का मल्टीपल प्लस 4 फंदे चाहिए। यहाँ पे मैंने टोटल 34 फंदे लिए हैं, 30 प्लस 4। अब देखिए इसकी फर्स्ट रो हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी इस तरह से। जो पहले दो फंदे हैं इन्हें तो हम सीधा बुन लेंगे। देखिए एक और ये दो, दो फंदे हमने सीधा बुना। अब देखिए ये जो ऊन है इसे हम आगे कर लेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक उतारेंगे और दो फंदों को इस तरह से सीधा बुनने के बाद इस फंदे को इस पर इस तरह से शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, ऊन आगे करेंगे, अब 5 फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये 5। अब फिर से हम यहाँ से रिपीट करेंगे, दो फंदों के बाद से जो हमने बनाया था वो रिपीट करेंगे। ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, दो फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा इस पर उतार लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और ऊन आगे करके 5 फंदे सीधा बुनेंगे। देखिए एक दो तीन चार और 5। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा ऐसे उतार लेंगे बिना बुने, दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे और तीसरे जो बिना बुने उतारा था उसे हम इस पर इस तरह से उतार लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन आगे, 5 फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये 5 फंदे हमने सीधे बुने। अब ये दो फंदे हैं इसे हम सीधा ही बुन लेंगे, एक्स्ट्रा फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए ये हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली। अब यही फर्स्ट और सेकेंड रो हमें टोटल रिपीट करनी है 4 बार। एक बार हमने बना ली है, फिर से देख लीजिए, दो फंदों को तो हम सीधा बुन लेंगे, फिर उन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, अगला फंदा ऐसे उतार लेंगे और दो फंदों को ऐसे राइट साइड से सीधा बुनेंगे, उतारे हुए फंदे को फिर से इस पर उतार लेंगे और फिर एक फंदा सीधा, ऊन आगे, 5 फंदे सीधे, एक दो तीन चार और 5। फिर ये पैटर्न रिपीट करेंगे। इसी तरह हमें टोटल 8 सिलाइयाँ बनानी है। 2 सिलाइयाँ हमने बना ली है, तीसरी सिलाई जा रही है। रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो पहले हम 4 बार इस पैटर्न को बना लेते हैं। टाइम से पैटर्न को रिपीट कर लिया है। जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी वही रो फर्स्ट रो में जो बनाया था वही 3rd, 5th और 7th रो में बनाया है। रॉन्ग साइड से तो सारे फंदों को हमने, ये देखिए, उल्टा उल्टा ही बुना है। अब हमें बनाना तो यही पैटर्न है, बस हम इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे। ये जो पैटर्न है वो यहाँ आएगा और ये प्लेन वाला यहाँ आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले ये जो दो एक्स्ट्रा हैं इन्हें हम सीधा बुनेंगे और अब यहाँ से जो बुनेंगे, दो फंदे के बाद से जो बुनेंगे वो हमारा रिपीट पैटर्न होगा। तो 5 फंदे सीधे बुनेंगे, और ये 5 फंदे बुने, फिर उन आगे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, अगला फंदा ऐसे उतारेंगे, दो फंदों को हम ऐसे बुन लेंगे और तीसरे फंदे को जो हमने बिना बुने उतारा है उसे हम इस पर उतार देंगे। ये देखिए, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन आगे करेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये 5 फिर से ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक उतारेंगे, तीन दो फंदों को आगे से एक करेंगे, इसे हम इस पर इस तरह से उतार देंगे और फिर उसके बाद हम एक फंदा बुनेंगे, ऊन आगे, 5 फंदे, ये देखिए ये 5 फंदे हो गए। फिर ऊन आगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे,
एक फंदा उतारेंगे, दो का एक करेंगे, इस पर हम उतारा बिना बुना फंदा उतार देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन आगे और दो फंदे सीधे। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई है। सेकेंड रो फिर से हम रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और यही फर्स्ट सेकेंड रो जो अभी हमने बनाई है और ये रॉन्ग साइड वाली, ये दोनों रो को हमें फिर से 4 टाइम्स रिपीट करना है। ये देखिए, हमने दो रोज कंप्लीट कर लिए। अब जैसे हमने 4 टाइम्स ये नीचे वाला पैटर्न बनाया, उसी तरह से इसे भी 4 टाइम्स बना लेते हैं। तो पहले ये 4 टाइम्स बना लेते हैं, फिर से हमने 4 टाइम्स पैटर्न को रिपीट कर लिया है। इस तरह से पैटर्न बनाया। अब हम बेस से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस डिज़ाइन को यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये जो प्लेन वाली डिज़ाइन है उसको इन 5 फंदों में बनाएंगे और इस तरह इस पैटर्न को रिपीट करके हमें ये खूबसूरत सी डिज़ाइन मिल जाएगी। तो इस डिज़ाइन को बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching.